तो आज day 4 है 30 डे ब्लॉग का चैलेंज का, और अभी हम लोग आ रहे हैं पटना से। तो आज की स्टोरी आपको हम सुनाते हैं कि आज के हमारे साथ हुआ क्या। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि जो गूगल मैप है वो हम लोग का पूरा एकदम घुमा दिया, इतना घुमाया ये गूगल मैप हम लोग को कि पैर का तो बैंड बच गया। और पूरा मसला जो था वो इसके फ़ोन का था। इसका फ़ोन जो है रियल मी एक्स, वो उसका जो पॉपअप कैमरा होता है वो काम नहीं कर रहा था, काफ़ी महीनों से ख़राब था। तो आज हमने प्लान किया कि आज चलते हैं उसके सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर जो है वो दानापुर में है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं यहाँ से गांधी मैदान, और गांधी मैदान से फिर आगे क्या होता है वो आप देखिए इस ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज चौथा दिन है 30 डे ब्लॉग चैलेंज का, और देखिए म्यूनसिपाल्टी गड्ढा नहीं भरवाया भाई साहब, हम लोग गिरवा देगा। तो फिलहाल गांधी मैदान में है, और अजीज भाई का जो फ्रंट कैमरा था रियलमी इसका जो फ़ोन है उसका फ्रंट कैमरा ऑन नहीं होता था, वो ख़राब था। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर। तो दानापुर में तो हम लोग रियलमी का सर्विस सेंटर है नहीं, तो हम लोग आए हैं पटना गांधी मैदान, और यहाँ फ्रेजर रोड में एक रियलमी का सर्विस सेंटर है ऐसा गूगल मैप पे हम लोग को बताया है। और तो हम लोग फ्रेजर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे सामने अभी गेट नंबर 10 है इस तरफ गांधी मैदान का, और अभी हम लोग फ्रेजर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और देखते हैं सर्विस सेंटर में हम लोग जाते हैं। पहले तो खोजना ही मुश्किल है क्योंकि गूगल मैप पर तो भाई भरोसा नहीं है। और यहाँ पे आज देख सकते हैं कि 15 अगस्त आने वाली है, तो उसकी भी वीडियोस आज आपको मिलेगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा मैं, पर्टिकुलर उसका ही बनाऊंगा किस तरह से तैयारी चल रही है गांधी मैदान के अंदर 15 अगस्त की, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अभी देखते हैं कि हम लोग का रियलमी का सर्विस सेंटर मिलता है और क्या होता है वो सब जानिए। डरना नहीं अजीज भाई, रोड क्रॉस करो, कोई लड़की दिखेगी जब वीडियो बना रहे हैं। हमारे भी इंस्टाग्राम पे 1500 प्लस फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर नहीं है, बस जो मिले पकड़ना है, बस जो मिलेगा याद देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं, और वीडियो तो देखे ही हैं, लड़की लोग का भरोसा नहीं है इसलिए वीडियो बना रहे हैं रोड पे चलते हुए। और सामने देख सकते हो भाई साहब ये जो अपना विश्वमान भवन है, वाह इसकी तो बात ही गजब है नहीं भाई, एकदम ऑसम वाला फील दे रहा है। तो हम लोग के पीछे वो विश्वमान भवन है, और अभी मेरे बगल में जो बाउंड्री आप देख रहे हैं हम लोग के, ये है होटल मौर्या का बाउंड्री, मौर्या पटना। ये मौर्या पटना हम लोग का जो होटल मौर्या है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे पटना में। तो हम लोग तो कभी इसके अंदर गए नहीं हैं, आप में से अगर कोई लोग गया है तो अपना रिव्यू अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि पटना का मौर्या होटल किस चीज़ के लिए फेमस है। अभी चल रहे हैं हम लोग उतनी देर से, तकरीबन 2 किलोमीटर चल लिए हैं, गर्मी इतनी, धूप इतनी तेज़ है। अभी सबसे ज़्यादा तुमको अजीत भाई क्या याद आ रहा है? अपना बाइक याद आ रहा है। तो हम लोग भाई चल रहे हैं, आज हम लोग ऑटो से आए हैं, और आज हम लोग प्लान किए हैं कि जब रिटर्न होंगे अपने दानापुर के लिए तो वो जो CNG या इलेक्ट्रिकल, वो देखो वो इलेक्ट्रिकल बस या CNG वाली जो बस होती है उसमें अभी तक हम लोग नहीं बैठे हैं, तो उसी से हम लोग सफ़र अपना तय करेंगे गांधी मैदान से दानापुर का। तो बने रहे वीडियो में, देखते हैं कि क्या है खास इस CNG बस में। और ये देखो ये CNG बस भी गया, तो देखते हैं उसके अंदर सफ़र करेंगे और आपको बताएंगे कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो आप ही हमारे साथ सफ़र करने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। और भाई कहाँ है ये, गूगल मैप करना पड़ेगा। तो हम हैं फ्रेजर रोड में, और ये है कासा पिकोला। लास्ट ईयर बर्थडे मेरा यहीं पर सेलिब्रेट किया गया था, और ये फ्रेजर रोड में है आप देख सकते हो। और इस तरफ दूरदर्शन का ऑफिस है, और ये सामने चौराहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे चलना पड़ेगा, अब देख सकते हो एकदम पसीना पसीना हो गए हम लोग। तो भी हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पटना जंक्शन चल जाएगा, ये होटल विनायक है, और इसी के जस्ट सामने रोड में हम लोग को जाना है। हम लोग खोजते खोजते थक गए, लेकिन रियलमी का सर्विस सेंटर जमाल रोड में तो हमको नहीं मिला, तो गूगल मैप में वो शायद गलत दिखा रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं पटना वन मॉल डाक बंगला, जहाँ से हम लोग क्रॉस करते हुए भी यहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ जाएँगे, वहाँ पर शायद पटना वन मॉल के अंदर रियलमी का स्टोर है, यहाँ से एक शॉप है रियलमी का है, ये जमाल रोड में है। तो यहाँ से भैया ने बताया कि हमें जमाल रोड में वो नहीं मिलेगा सर्विस सेंटर, हम लोग को जाना पड़ेगा। और ये अजीत भाई को देखो, हम लोग को गर्मी लग रहा तो पानी लेके आ रहा है भाई साहब। और जमाल रोड में तो भाई साहब आपको सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सीड्स पेस्टिसाइड्स हैं वो सब मिलेंगे। तो हम लोग को कहाँ चलना है, पटना वन मॉल, चलो अंदर। वहाँ से बता रहा था जाने के लिए, वहाँ से जब हम लोग गए तो अंदर तो सिर्फ कुरियर वाले लोग मिल रहे थे, कुरियर का सामान जितना होता है सब वहाँ से कुरियर होता है। और हम लोग के साइड आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है तो वो आपको मिल जाएगी, यहाँ पे उसका सेंटर है, होलसेल रेटेड प्राइस में मिलती है सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये है पटना सेंट्रल मॉल, हम लोग चलते चलते इतना थक गए अजीज,
पता ही नहीं चला पटना वन मॉल और सेंट्रल मॉल कहाँ है। अब हम चल रहे पटना वन मॉल की तरफ, पटना सेंट्रल मॉल। आज लगता है पता नहीं क्या है, आज दिन ही पूरा एकदम बर्बाद है। सर्विस सेंटर खोजने में इतना मुश्किल आज तक नहीं हुआ था। ये रियलमी का सर्विस सेंटर पता नहीं कहाँ कहाँ खोल दिया है। दानापुर में बनाओ यार, दानापुर में होना चाहिए यार। रियलमी वाले अगर सुन रहे हो, रियलमी के फ़ोन से ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, आप रियलमी का सर्विस सेंटर दानापुर में डालो भाई साहब अपने। ये जो हम लोग अभी जा रहे हैं पटना वन मॉल की तरफ, हम लोग गलती से चले गए थे सेंट्रल मॉल में। और एक चीज़ खास तो हम लोग को दिखा, आप पीछे बिलबोर्ड पे देख सकते हो, नीरज चोपड़ा का बिलबोर्ड लगा हुआ है। हमारा भाई साहब देश का नाम रोशन किया है, भाई को सैल्यूट है अपने। देखे तो भाई दिल खुश हो गया बिलबोर्ड देख के, हमारे पटना में भाई साहब का बिलबोर्ड लगा हुआ है। चलिए देखते हैं पटना वन में हम लोग को मिलता है कि क्या होता है। हम लोग अभी पटना वन मॉल के अंदर हैं। अभी सीढ़ियों से जाना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट पे इतना ज़्यादा भीड़ था, सब बुरे हो गए। बट हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग सीढ़ी से आए हैं क्योंकि अपने लिए टाइम ज़्यादा कीमती है। और वैसे भी हम लोग काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, सर्विस सेंटर ही नहीं मिल रहा भाई साहब। सेकंड फ्लोर में देखते हैं अंदर चलते हैं। हमारे पटना वन मॉल के अंदर और सेकंड फ्लोर पे देखो भाई साहब क्या हुआ। बात है भाई, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है ना। चलो कितना मुश्किल के बाद मिला भाई, हालत खराब हुआ सबसे सबसे इसको, बट फाइनली मिल गया। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक चलती है और संडे को ऑफ होती है। और एक वजीद भाई खड़ा है, नंबर लगवा रहा है अपना, और देखते हैं इसका फ़ोन का क्या होता है, वो आके बताएगा हमको। सर्विस सेंटर में क्या हुआ वजीद भाई बताओ। एकदम बुला रहा है, सर्वर डाउन है। अंदर देख सकते हो सर्वर डाउन कह के इतने सारा भीड़ लगा हुआ है। ये रियलमी का स्टोर है और इसका तो फ़ोन अब मंडे को लेके आना होगा, और बाकी कहानी घर पहुँचेंगे तो बताएँगे। हम लोग पहुंच गए फाइनली घर पर, और आज गए थे इसके फ़ोन का जो कैमरा पॉपअप कैमरा था वो ख़राब था, तो उसको रिपेयर कराने के लिए हम लोग सर्विस सेंटर खोजना था। तो सर्विस सेंटर खोजने हम लोग पहुंचे पहले गांधी मैदान, गांधी मैदान से जाते हैं फ्रेजर रोड। गूगल मैप हम लोग को इतना घुमाता 2 किलोमीटर तक, चलते चलते हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग को वहाँ पर जो गूगल मैप पर शो कर रहा है वो एक्चुअली वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद वहाँ पर एक स्टोर था, वो हम लोग वहाँ पर फाइंड करते हैं। वहाँ पे भैया बताते हैं कि हम लोग को जाना है कहाँ, पटना वन मॉल। तो गलती से हम लोग चलते चलते इतना थक गए कि पहुँच गए वन मॉल के जगह सेंट्रल मॉल। सेंट्रल मॉल और सेंट्रल मॉल पहुँचने के बाद जब सेकंड फ्लोर चढ़ जाते हैं तो याद आता है ये तो सेंट्रल मॉल है, हम लोग पटना वन मॉल। देन हम लोग जाते हैं पटना वन मॉल, और फिर वहाँ पर सर्विस सेंटर में जब जाते हैं तो पता चलता है सर्वर, तो वहाँ पता चलता है कि सर्वर काम नहीं कर रही है। तो हम लोग को बताया गया कि मंडे को आप आइए तो आपका प्रॉब्लम को जो भी इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिर घूमते फिरते पहुँचे हैं फाइनली घर। तो ये थी भाई आज की पूरी स्टोरी, आपने सुन ली, आपने देख ली। अब आपसे हम मिलेंगे अगले डे, और आप ज़्यादा थक गए हैं तो ज़्यादा एक्साइटेड वाला आवाज़ की फीलिंग मत लो भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आवाज़ और पूरा सर से लेकर पैर तक हालत ख़राब हो गया पूरी तरीके से। तो भाई अब जाएंगे घर, सो जाएंगे, और आप भी जाके अपना व्लॉग एंजॉय कर लो।